हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राखी माथुर। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं सी प्रोग्राम। ये सी प्रोग्रामिंग के लेक्चर 6 का पार्ट 2 है। लेक्चर 6 में हमने देखा था फॉर्मूले बेस्ड प्रोग्राम, यानी कि हमने समझा था फॉर्मूले बेस्ड प्रोग्राम कैसे बनाए। तो आज हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे बेसिकली कि एक फॉर्मूला हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके कुछ कॉमन स्टेप हैं जो देख लेते हैं। ये बेसिक हेडर फाइल्स हैं, उसके नेक्स्ट लिखने के बाद हम अगेन मेन लगाएंगे और मेन के भी कुछ स्टेप्स जो हमने लिख लिए हैं, क्लियर स्क्रीन, गेट सी एच, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं स्टार्टिंग चैप्टर्स में। तो अगर आपको ये समझना है तो आप स्टार्टिंग का सेकंड चैप्टर्स का वीडियो देख सकते हैं। अब नेक्स्ट हमें जो करना है वो है फॉर्मूला बेस्ड प्रोग्राम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो फॉर्मूला लिखना है, लाइक हमने एक फॉर्मूला लिखा क्यूब इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, इसको कमेंट बना लिया मैंने, ये हमने फॉर्मूला लिखना है, यानी कि हमें किसी भी फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूले को राइट करेंगे, राइट करने के बाद हम उसका वेरिएबल डिक्लेरेशन करेंगे। लाइक हमने लिखा इंट क्यूब कॉमा ए, वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया जो हम क्लियर स्क्रीन से पहले करेंगे। उसके बाद हमें इनपुट लेना है, तो जो हमारे फॉर्मूले की राइट हैंड साइड है यानी कि ये वैल्यू, इसका हम क्या करेंगे, इनपुट लेंगे। अब a 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, बट ए का इनपुट तो एक बार ही होगा, तो हम उसके लिए एक मैसेज देंगे यूजर्स को, प्रिंट एफ एंटर अ नंबर, और उसके बाद स्कैन एफ के थ्रू उस नंबर को इनपुट करेंगे। यस, तो ये नंबर हमारा इनपुट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड इनपुट स्टेप। मतलब ये हो गया हमारा सब फर्स्ट स्टेप, वेरिएबल डिक्लेरेशन। उसके बाद हमने किया नेक्स्ट स्टेप इनपुट, यानी कि हमने ए को इनपुट किया है। अब हम करेंगे प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में हम लिखेंगे क्यूब इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए। ये जो स्टेप है हमारा, ये हमारा है प्रोसेसिंग स्टेप। उसके बाद अब हम आउटपुट शो कराएंगे, और प्रिंट एफ में लिखेंगे क्यूब इज देन परसेंटेज डी, फिर कॉमा जो आपने वेरिएबल लिया था आउटपुट के लिए वो। तो इस तरह से हम इसका आउटपुट शो कराएंगे। अब इसे रन करा के देख सकते हैं, हम कोई भी एक डिजिट इनपुट करेंगे उसका क्यूब आना चाहिए। लाइक मैंने 2 इनपुट किया तो क्यूब आ गया 8। अगेन चेक कर सकते हैं आप, अगर हमने 3 इनपुट किया तो आ गया क्यूब 27। तो इस तरह से हमने एक फॉर्मूले को समझा कैसे उसमें फॉर वेरिएबल डिक्लेरेशन करना है, आफ्टर इट इनपुट करना है, प्रोसेसिंग करनी है और आउटपुट शो करना है। अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला लेते हैं, लाइक एरिया ऑफ सर्कल। तो फर्स्ट सबसे पहले हम उस प्रोग्राम को, उस फॉर्मूले को लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल। उसके लिए हम उसका फॉर्मूला लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। यस, तो अब हमने इसको सिंपलीफाई किया, एरिया ऑफ सर्कल थोड़ा सा बड़ा वेरिएबल था, हमने सिर्फ एरिया लिया, इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब हम इसको ये सब हटा देते हैं जो हमने लिखा है। नेक्स्ट इसको रफ करने के बाद अब हमें वेरिएबल डिक्लेरेशन करना है, तो हमें सोचना पड़ेगा। रेडियस आर से डिनोट कर लेंगे जो इंटीजर में ले लिया हमने, बाकी फ्लोट यूज किया है किसके लिए, पाई के लिए, क्योंकि आप सबको पता होगा पाई एक कॉन्स्टेंट है जिसकी वैल्यू 3.14 होती है, 1/4 से भी आगे होता है। नेक्स्ट हमने लिया है एरिया, जब हम लेफ्ट साइड की कैलकुलेशन में, सॉरी राइट साइड की कैलकुलेशन में पॉइंट वैल्यू लेंगे तो ऑब्वियसली हमारा जो रिजल्ट आएगा उसमें भी पॉइंट वैल्यू आएगी। तो हमें सबसे पहले जब वेरिएबल लेंगे तो ये ध्यान रखना है कौन सा वेरिएबल इंटीजर में आएगा, कौन सा फ्लोट में आएगा। वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया हमारा, हमने आर भी हम फ्लोट में रख सकते थे, बट हमने डिफरेंट लिया है, आर को इंटीजर में रखा है, बाकी दोनों को फ्लोट में रखा है। अब हम इनपुट करेंगे, तो प्रिंट एफ हम लिखेंगे एंटर या इनपुट आर रेडियस, देन स्कैन करेंगे, स्कैन एफ किया हमने, उसके बाद स्कैन एफ करने के बाद पाई को भी एक वैल्यू दे देंगे क्योंकि पाई की वैल्यू फिक्स है, हमें ऑलरेडी पता है। तो इस तरह से हम ये वर्क कर लेंगे, प्रिंट एफ एंटर रेडियस किया, फिर पाई की वैल्यू दी। अब हम प्रोसेसिंग करनी है, तो हम लिखेंगे एरिया इक्वल्स टू पाई मल्टीप्लाई आर
तो इस तरह हमने इस स्टेप में देखिए आप प्रोसेसिंग करी, एरिया का फॉर्मूला लिखा, एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, ये हो गया प्रोसेसिंग। अब हमें रिजल्ट शो कराना है, तो हम लिखेंगे प्रिंट एफ, हम लिखेंगे एरिया इज, तो एरिया हमने जो लिया है वो फ्लोट में लिया है, इसे परसेंटेज है, और एरिया को प्रिंट कर देंगे। अब हम इसे रन कराते हैं और रेडियस की कुछ भी वैल्यू देते हैं तो हमारा कैलकुलेट होके आ जाता है, देखिए पॉइंट में आंसर आ रहा है। तो इस तरह से हम कोई भी एक फॉर्मूला प्रिंट कर सकते हैं। हमने ये एक फॉर्मूला लिया था एरिया ऑफ सर्कल, तो इस तरह हमने यूज़ किया। बट अब हम इसमें कुछ और इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, लाइक पाई जो है, पाई हमने 3.14 लिया है, ठीक है, बट पाई एक वेरिएबल नहीं है, पाई एक कॉन्स्टेंट है। तो सी लैंग्वेज में हमारे पास एक वे है कॉन्स्टेंट को डिक्लेयर करने का, तो सबसे पहले हम पाई की वैल्यूज़ को यहाँ से रिमूव कर देंगे, और ऑब्वियसली हम यहाँ से भी हटा देंगे उसको। तो पाई हम कॉन्स्टेंट की तरह कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, हम यहाँ पर हैश इंक्लूड के नीचे हैश डिफाइन, उसके बाद जो आपको कॉन्स्टेंट लेना है लाइक पाई, उसके बाद जो उसकी वैल्यू लेनी है वो ले लेंगे। अब हम अगेन रन कराएंगे, रन कराने के बाद वही सेम वैल्यू देंगे तो वही सेम आंसर आएगा, यानी कि हमें कोई कांस्टेंट डिक्लेयर करना है, मैच डिफाइन कांस्टेंट नेम कांस्टेंट वैल्यू डिक्लेयर कर सकते हैं, और इस कांस्टेंट को पूरे प्रोग्राम में हम मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं। तो आज हमने समझा कैसे हम एक फॉर्मूले बेस्ड प्रोग्राम को यूज़ करते हैं। हमने इस प्रोग्राम को लेक्चर 6 के पार्ट 1 में समझा था, बट अब हमने इसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट किया है। आप कोई भी फॉर्मूला ऐसा लीजिए और ऐसे ट्राई करके देखिए, सारे के सारे फॉर्मूले बेस्ड प्रोग्राम ईजीली हो जाएंगे। हम नेक्स्ट लेक्चर 7 से स्टार्ट करेंगे ऑपरेटर्स, तो आप ऑपरेटर्स पढ़ने के लिए नेक्स्ट लेक्चर देखिए मेरा, और आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आपसे लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं।